ग्रीटिंग्स फ्रॉम ब्रेन स्पाइन एंड जॉइंट क्लिनिक। नी जॉइंट में पेन है या नहीं है, नी जॉइंट के लिए एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, बट हमें अर्थराइटिस से प्रिवेंशन तो चाहिए ही। अगर आप नी जॉइंट की एक्सरसाइज करते हैं, मतलब आप रेगुलर रूटीन में आपकी एक्सरसाइज है, तो भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। वो क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले जब हम नी जॉइंट की बात कर रहे हैं, तो जो हमारी बॉडी है, जो स्पाइन से सारा हमारा वेट ट्रांसफर हो रहा है दोनों साइड, राइट एंड लेफ्ट लेग्स के थ्रू हमारे दोनों पाँव में, तो राइट एंड लेफ्ट साइड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सो दैट ओवरवर्किंग ना हो लोअर बैक में एंड हिप मसल्स में, एंड अनड्यू या अनअकस्टम्ड वेट बेयरिंग ना हो दोनों साइड के पाँव में। तो ग्लूटियल मसल्स पे आपको फोकस करना है, मतलब कि आपके हिप मसल की स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए, ग्लूटियल मसल की स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए, और साथ ही दूसरी तरफ आपके लो बैक मसल की स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए। यूजुअली सब लोग जो जिम जाते हैं, रेगुलर रूटीन में एक्सरसाइज करते हैं, एब्स करनी है, लोअर एब्स करनी है, अपर एब्स करनी है, साइड्स करनी है, बट दे फॉरगेट टू ट्रेन द ग्लूटियल मसल्स एंड द लो बैक मसल्स। एब्स की एक्सरसाइज कब और कैसे करनी चाहिए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन इस वीडियो में जो हम फोकस कर रहे हैं वो ये है कि ग्लूटियल मसल्स एंड लो बैक मसल्स पे हमको फोकस करना है स्ट्रेंथनिंग के प्रस्पेक्टिव से, सो दैट हमारी इक्वल वेट बेयरिंग हो दोनों लेग साइड पे, दोनों लेग्स पे, और अनड्यू वेट बेयरिंग ना हो, एंकल पे उतना लोड ना आए। हमें इन मसल्स के साथ साथ जब हम नी जॉइंट को एड्रेस कर रहे हैं, तो हमें क्वाड्स, हैम्स, काफ, इन सबको भी ट्रेन करना है। ट्रेनिंग हमेशा एंड्योरेंस बेस्ड होनी चाहिए, पावर बेस्ड नहीं होनी चाहिए। आपको एंड्योरेंस बेस्ड ट्रेनिंग के लिए हमेशा नंबर ऑफ रेपिटेशंस बढ़ानी है, एकदम से वेट नहीं बढ़ाना है। जो भी पेशेंट्स या जो भी लोग मेरे साथ कंटैक्ट में आते हैं, उन सबको मालूम है कि मैं यहाँ ब्रेन स्पाइन एंड जॉइंट क्लिनिक पे अपनी टीम के साथ हमेशा आपका एक्सरसाइज प्रोटोकॉल फेस वाइज डिजाइन करती हूँ, जो कि फेस 1, 2 एंड 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हीलिंग, रीजनरेशन एंड रीस्ट्रेंथनिंग और री एजुकेशन। तो हीलिंग फेस में आपकी जो एक्सरसाइजेज होंगी वो डिफरेंट होंगी टू द फेस विच इज फेस 3 एंड विच इज द रिकंडीशनिंग रीस्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम। हमेशा प्रोग्रेसिव इंक्रीज में हम बात करेंगे, और हमेशा प्रोग्रेसिव इंक्रीज में हमारी एक्सरसाइजेस बढ़ेंगी। रेजिस्टेंस कब बढ़ानी है, नंबर ऑफ रेपिटेशंस कब बढ़ाने हैं, तो बेसिकली नटशेल में आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको पावर बेस्ड एक्सरसाइज नहीं चाहिए, आपको एंड्योरेंस बेस्ड एक्सरसाइज चाहिए। आपके जो एंकल जॉइंट पे स्टिफनेस नहीं होनी चाहिए। अगर आपका एंकल जॉइंट का मोबिलिटी नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन, नॉर्मल डिग्री से कम है, तो आप एंकल स्टिफ हैं, आपका जो एंकल जॉइंट है वो स्टिफनेस में से भरा हुआ है, वो कहीं ना कहीं कंपनसेटरी रेंज लेकर काम कर रहा है। कंपनसेटरी रेंज में आपको जो मसल्स उस एक्टिविटी में चाहिए वो ना काम करके उसके हेल्पर मसल और एडजेसेंट मसल उसका काम या उसका रोल प्ले करते हैं। सेम गोज विद द हिप मोबिलिटी। So, stiff hip, stiff ankle will disturb the mechanics, both of the muscle and the joint, and result in knee joint pain. Don't forget to stretch. आपको stretching exercises lower body में हर चीज, हर muscle की चाहिए, glutes की चाहिए, quads की चाहिए, hams की चाहिए, ankle की चाहिए, फिर foot, sole of foot जो है sole muscles की आपको stretching चाहिए। अगर आपको लगता है आपको restriction नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा फील हो रहा है, या अगर आप बिलीव करते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो इट्स बेटर टू गो टू अ स्किल्ड फिजियोथेरेपिस्ट एंड गेट योर मायोफेशियल रिलीज डन। MFR मसाज नहीं होता है, MFR एक थेरेप्यूटिक टेक्निक है जिससे आपकी मसल की रिस्ट्रिक्शंस को दूर किया जाता है। ये प्रिवेंशन में भी यूज होता है, ये आपकी अगर कोई डिजीज डेवेल्प हो गई है, डिसऑर्डर डेवेल्प हो गया है, उसको ट्रीट करने में भी हेल्प किया जाता है। सो दोनों का पर्सपेक्टिव अलग हो जाएगा, टेक्निक दोनों तरफ यूज की जाती है। ऑल्सो जो आपकी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है थ्रू आउट फॉर होल ऑफ योर बॉडी शुड बी ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रेसिव रेजिस्टिव ट्रेनिंग विच इज एंड्योरेंस बेस्ड, नॉट जस्ट द पावर प्ले ऑफ द होल मसल, होल मसल्स इन द जॉइंट इन योर बॉडी।
सो ये हमारे बेसिक कुछ चीजें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है जब हम नी जॉइंट या किसी भी जॉइंट की स्ट्रेंथनिंग की बात कर रहे हैं. इस वीडियो में मैंने सिर्फ नी जॉइंट के ऊपर फोकस किया है. एंड डू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स विच आई हैव मेंशनड हियर सो दैट यू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर बॉडी एंड अ बेटर बॉडी. थैंक यू सो मच. स्टे ट्यून्ड. टेक केयर. बाय बाय.